हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से मैं आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 100 एफआईआर दर्ज की है। सभी केस प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी यानी आपके ऑफिस से निकलते हुए एक वैन से भी पोस्टर जब्त किए गए हैं। इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 36 घंटे में बम से उड़ाने की धमकी सीएम को दी थी। 20 मार्च को केरल हाई कोर्ट ने दलित हिंदू से धर्म बदलकर ईसाई बने सीपीएम विधायक ए राजा की विधायकी रद्द कर दी है। ए राजा पर आरोप था कि दलित होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर वो चुनाव लड़े थे। कांग्रेस में खेमेबंदी के चलते सियासी खींचतान फिर तेज होने के आसार बन गए हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गलहोत कैंप पर सवाल उठाने के बाद अब बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। पायलट के विधायक दल की बैठक बुलाने पर सवाल उठाने का खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने समर्थन किया है। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर थर्ड फ्रंट के लिए कवायद शुरू हो गई है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जोर शोर से जुट गई हैं। 3 दिन पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इससे पहले ममता जगन्नाथ पुरी जाएंगी और वो वहां पूजा अर्चना भी करने वाली है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहन प्रचंड ने संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया है। कुल 265 मौजूद सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। प्रचंड के गठबंधन को 172 वोट मिले। सरकार बचाने के लिए 138 वोट चाहिए थे। विरोध में 79 वोट पड़े थे। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर सिर उठा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोविड 19 के कुल 1,134 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि देश में 2 दिन बाद ही कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 19 मार्च को 1,071 मामले सामने आए थे। बैंकों की सभी ब्रांच 31 मार्च तक यानी रविवार को खुली रहेगी। आरबीआई ने बैंकों को अपनी ब्रांच 31 मार्च तक खोले रखने का आदेश दिया है। इससे अब आप रविवार को भी बैंक से जुड़े काम निपटा सकेंगे। हालांकि 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जमीन से 156 किलोमीटर की गहराई में था। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यूक्रेन दौरे पर थे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। किशिदा ने रूस यूक्रेन जंग में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान वो कीव के पास स्थित बूचा शहर भी पहुंचे। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।